दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब लोग एमएस वर्ड या किसी और प्रोग्राम पे जब भी काम कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि हमको एमएस वर्ड की फाइल को या कितनी भी फाइल को क्रॉप करना है या इमेज वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हमको बहुत समस्याएं आती हैं। दोस्तों मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइपिंग तनवीर में। जैसा हमने बताया कि हम जानेंगे कि कैसे अपनी इमेज और कैसे किसी भी फाइल पे मान लीजिए वर्ड पे एक्सेल पे या किसी और प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं या हमको जो भी हमारे स्क्रीन पर है हमको उसको फोटो वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आइए जानते हैं कि इस प्रोसेस को करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्निपिंग टूल की और स्निपिंग टूल कैसे काम करता है, चलते अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि स्निपिंग टूल कैसे काम करता है। हमने बताया कि यह ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। इससे हम लोग क्या काम कर सकते हैं कि किसी भी फॉर्मेट को जो भी हमारे स्क्रीन पे चल रहा है वीडियो हो या कुछ भी हो हम उसको फॉर्मेट में कर सकते हैं। फोटो वाला फॉर्मेट कोई जरूरी नहीं है कि जेपीजी हो या पीएनजी हो, किसी भी फॉर्मेट में हम ले सकते हैं लेकिन यह पीएनजी में ही बाय डिफॉल्ट सेव होता है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। सपोज करिए कि मैं काम करता हूँ एक एमएस वर्ड की फाइल खोल लेता हूँ। एमएस वर्ड की फाइल खोलने के बाद मैंने इतना मैटर मान लीजिए लिख दिया। अब हमको मान लीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका क्या काम होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं कि किसी से पूछना है तो अब हम क्या काम करते हैं इस चीज़ को स्क्रीन फोटो को काट लेता हूँ। इसके लिए हम क्या काम करेंगे, स्टार्ट बटन पर जाएंगे। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं snipping। जैसे स्निपिंग टूल का ऑप्शन आएगा हम उस पर क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद हमको कितना काटना है ये भी बड़ा मायने रखता है। अब हम माउस से अपना ड्रैग कर लेंगे जहाँ से जहाँ तक चाहिए और माउस जैसे ही छोड़ेंगे यहाँ पे सेव का ऑप्शन देगा। हम इसको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और किसी भी नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, मैं इस प्रोग्राम को कट कर देता हूँ। जैसे इस प्रोग्राम को कट करेंगे अब आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमारी ये फाइल आपको मिल गई। अब आप देख रहे हैं, मैं एक बार इसका एक्सटेंशन चेक करके दिखा देता हूँ। इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और आप देख रहे हैं यहाँ पे पीएनजी फॉर्मेट में दे रहा है। इसके अलावा मैं पूरी स्क्रीन को एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। फिर से हम क्या करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे snipping। स्निपिंग टूल पर क्लिक करने के बाद पूरी स्क्रीन को मैं कट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने कट किया फिर से यहाँ सेव करने का ऑप्शन दे रहा है, इसको मैं किसी नाम से सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद कट कर देता हूँ। अब आपको मैं एक बार इसको फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए हमारा मिल गया। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे।